दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल बात करते हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस समय जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती अपना अपना जो है कि 2024 को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। दो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं अखिलेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के लिए भी जो कि काफी परेशानी का सबक 2024 में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ऐसे मुद्दे अखिलेश यादव उठा रहे हैं। आप ट्वीट के ऊपर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव आज से 5-6 दिन पहले जो है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए जो कि पुरानी राजनीतिक जो कि जो दावेदारी पर अखिलेश यादव उतर गए हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव इस हार के बाद, लगातार हार के बाद उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं जिन मुद्दों से उठाने से मुलायम सिंह यादव जो है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बिल्कुल उनको नस्तनाबूद कर दिए थे मुलायम सिंह यादव ने। उस राजनीतिक उस मुद्दे को, ऐसे ऐसे मुद्दे को निकाल कर और सामने लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना की। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो समाज है ओबीसी का, पूरा समाज हो चाहे एससी एसटी का समाज हो, उसको न्याय मिलनी चाहिए। और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो किसानों को लेकर, जिस तरह से किसानों का बकाया है और गेहूं से लेकर तिलहन से लेकर तमाम ऐसे आप देख रहे हैं ट्वीट करके अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बहुत प्रखर होकर और बहुत ही जो है कि ज्यादा एक्टिव होकर अखिलेश यादव उठा रहे हैं। इस मुद्दों को उठाने का क्या मकसद है मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 से लेकर लगातार अखिलेश यादव हारने के बाद जिस तरह से ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा हो, चाहे किसानों के लिए आवाज हो, चाहे ग्राउंड में उतर कर किसानों तक जाना हो, चाहे जितने भी पीड़ित हैं उनके पास जाना हो, जमीन पर उतर कर राजनीति करना हो, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की एक पकड़ बनाई थी, एक समाज में एक जो कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बोले जाते थे, पिछड़ों के सबसे शानदार नेता बोले जाते थे, उस रास्ते को अपनाते हुए अखिलेश यादव ने एक से एक मुद्दा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कि शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव, जिस तरह से लगातार जमीन पर उतरकर वो पूर्वांचल की पूरी कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं, कुंडा में जाकर जो कि मेहनत कर रहे हैं, कुंडा में जाकर जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद से लगातार प्रयागराज में जाते हैं और लोगों के जो पुराने समाजवादी थे, जो जनाधार वाले समाजवादी नेता थे, अलग अलग पिछड़े समाज से आने वाले जितने भी समाजवादी नेता थे, दलित समाज से आने वाले, सवर्ण समाज से आने, तो इस तरह से लगातार जो मुलाकातें हो रही है, लगातार जो मिल रहे हैं जनाधार वाले नेताओं से, जो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जब दो फाड़ हुआ समाजवादी पार्टी में, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब शिवपाल सिंह यादव ने बनाया, तो उन नेताओं से फिर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव। और जनता के जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, 400% फीस बढ़ गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो आंदोलन चल रहा है, उनसे मुलाकात शिवपाल सिंह यादव करते हैं, उन युवकों से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति की ऐसी प्रखरता, राजनीति की ऐसी पकड़ जो है मुलायम सिंह यादव में देखी गई थी, वही बताया जाता है। तो वो चीजें जिस तरह से अपनाते हुए अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीतिक पंडितों का मानना कि अखिलेश यादव उस रास्ते को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए लड़ाई बिल्कुल संकट जो कि पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा, जिस तरह से लोगों
लोगों का जनादेश, लोगों का समाज का, हर समाज का जो प्यार दिखता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, चाहे आप यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की बात कर लो, जिस तरह से पुलिस प्रताड़ित कर रही है, 70,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, अखिलेश यादव सदन में बोलते हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव बोलते हैं, किसानों का मुद्दा हो, गन्ना का मूल्य का मुद्दा हो, अभी तक 1 रुपये नहीं मिला, तिलहन का, गेहूं का, तमाम ऐसे मुद्दे, नहर सिंचाई का मुद्दा हो, ये ऐसे ही मुद्दे मुलायम सिंह यादव ने उठा उठा के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जो कि बुलंदियों को छुए थे, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय कांग्रेस जो कि बुलंदी पे थी, पूरे भारत में थी, केंद्र में सरकार थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिए थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, इसीलिए उनको धरती पुत्र बोला जाता था। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो रास्ते हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से एक हुए, उसके बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कि एक चेंज आया, इसको लेकर बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी में डेवलपमेंट मिल रहा है।